नरसिंहपुर कलेक्टर कार्यालय में तहसील साई खेड़ा के ग्राम दहनवाड़ा में 70 वर्ष निवासी वृद्धा अपने विकलांग बेटे और दो नातियों के साथ शिकायत करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने कलेक्टर महोदय के समक्ष सुरक्षा की गुहार लगाते हुए बताया कि उसको और उसके पूरे परिवार को जान का खतरा है। सिहोरा चौकी क्षेत्र के वरण गांव में रहने वाली महिला ज्योति पारधीत उसकी जायदाद पर कब्जा करने की नीयत से झूठे केस में फंसाने की धमकी देती रहती है। साहब जी, मेरी माँ जो है तो वो परेशान है, मेरा पिताजी ख़त्म हो गया, मेरी बहन मुझे परेशान कर रही है, मेरी माँ को तो ज़मीन बटाना चाहती है साहब, और मैं और बात ये है, और हम सेवा नहीं, मैं सेवा नहीं कर पा सकता हूँ, ना मेरी बहन, वो भी विकलांग है। तो आप अपनी बहन से किसी तरीके से परेशान हैं क्या? हाँ जी, उसके चरित्रहीन भी है, और मतलब घर से कुछ महीने पहले उसने 3 लाख रुपए और जेवर ले गई, और अभी आई तो जमीन कैसा मांग रही, मेरा बाप खत्म हो गया साहब, तो अब वो अकेली पड़ गई है, जमीन वो किसी को अभी तक जीते जीत नहीं देना चाहती है, और जो सेवा उसकी करेगा उसी को देना चाहती है, मेरी माँ का कहना है। उससे किसी प्रकार का खतरा भी है आपको? खतरा है मेरी माँ को कि वो उसका आदमी यानी बोलता है कि अगर तुम जमीन नहीं दोगी, माँ मैंने ज्योति और राजकुमार दोनों बोलते हैं, अगर जमीन नहीं दोगी तो तुम्हें मार काट के फेंक देंगे, ऐसा कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, नरसिंहपुर।